कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे 18 से 44 वर्ष के लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कारण स्वास्थ्य विभाग के पास तीसरे चरण की वैक्सीनेशन का नहीं पहुंचना है। हालांकि इसको लेकर रोजाना रजिस्ट्रेशन हो रही है। बता दें, कोरोना वायरस के साथ जारी जंग में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मई से शुरू करने को लेकर व्यापक तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें वैक्सीन का न होना फिलहाल बाधा बन गया है। जिला ऊना में फिलहाल 1,41,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 1,98,000 का लक्ष्य पूरा करने की तरफ जिला बढ़ रहा है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमन शर्मा ने बताया, तीसरे चरण की वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। अभी जिला में वैक्सीन की खेप नहीं पहुंची है। ऐसे में 1 मई से शुरू होने वाले चरण में कुछ विलम्ब हो सकता है और पंजीकृत लोगों को वैक्सीन उपलब्ध होते ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी। वहीं पूर्व कर्मचारी नेता हरिओम भनोट ने वैक्सीनेशन की पहली डोज प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल दस्तक से बात करते हुए कहा, कोरोना के संकट से निपटने के लिए वैक्सीन का सुरक्षा का कवर हर व्यक्ति को लेना चाहिए ताकि हम सब परिवार व देश सुरक्षित हो सके। कोरोना वैक्सीन जो है ये हर व्यक्ति को लगानी चाहिए, क्योंकि इसमें अपना बचाव भी है और देश में जो कोरोना फैल रहा है उससे भी राहत मिलेगी और कोरोना वैक्सीन से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत बढ़िया तरीके से लगाते हैं और मैं ये कहता सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लगाई वो हॉस्पिटल में आए और अपना पंजीकरण करवा के वो वैक्सीन लगवाएँ और देश का भी भला अपना भी भला। आज आपने वैक्सीन लगवाई, कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है। जिला ऊना में वैक्सीनेशन कैसे चल रहा है? देखिए, जिला ऊना में हमारा वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छी रफ्तार पे है। अभी तक हमने 1,39,119 मरीजों को जो है हमने वैक्सीनेट कर दिया है, फर्स्ट डोज लगी है। उसमें से हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो हैं वो हैं हमारे 4,900 के करीब हैं और फ्रंटलाइन वर्कर जो हैं वो 2,750 के करीब हैं और अबव 45 ईयर्स के ऊपर जो लोग हैं उनकी 57,296 और 60 साल के ऊपर जो हैं 55,794 लोगों को वैक्सीन टीकाकरण हो चुका है। और ये टीका जो है सभी संस्थाओं में लगाया जा रहा है, जितने भी हमारे स्वास्थ्य संस्थान हैं उनमें सब सेंटर में वीरवार को लगता है और पीएससी में मंगलवार और शुक्रवार को और सीएचसी में मंगलवार शुक्रवार और पहला और तीसरा संडे और सिविल हॉस्पिटल और आरएच ऊना में डेली ये लगाया जाता है। और इसके साथ ही हमारा जो है टारगेट है 1,93,193,000 लोगों का, वो भी हम जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद 1 मई के बाद हमारा जो है बिलो 45 जो है वो 18 से 44 साल का अभियान शुरू होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो गई है 4 बजे से। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि अपने रजिस्ट्रेशन करवा के ही वो उसको शुरू करें। अभी क्योंकि सरकार अभी वैक्सीन को प्रक्योर कर रही है कंपनी से डायरेक्ट, तो इसमें कुछ समय लगेगा। तो हमने 1 मई को जो है वैक्सीनेशन जो है हम शुरू नहीं करने जा रहे हैं, उसमें कुछ समय लगेगा। जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी प्रदेश सरकार को कंपनी से, तो आपको जल्दी ही ये प्रेस नोट दिया जाएगा और मीडिया को बताया जाएगा और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन 18 से 44 साल के बीच में भी शुरू हो जाएगी। जिला ऊना में वैक्सीनेशन को लेकर के विशेष तैयारियां की गई हैं और ये वैक्सीनेशन जो है वो हर स्वास्थ्य केंद्र पर की जा रही है और अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन करवा सकें इसके लेकर के स्वास्थ्य अमला काम कर रहा है। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में प्रतिदिन वैक्सीनेशन की जा रही है और आज भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से वैक्सीनेशन हुआ है। इस वक्त तक 1.5 लाख से अधिक जो हैं लोग उनको वैक्सीनेशन किया जा चुका है, पर 18 साल से 44 वर्ष की आयु के लिए पंजीकरण तो शुरू कर दिया गया है, पर जहां तक वैक्सीनेशन की बात है उनको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। पंजीकरण वे करवा सकते हैं लेकिन वैक्सीनेशन आने के बाद उनको सूचित किया जाएगा कि उनको वैक्सीनेशन कब लगेगी। तो यहां दो बातें यहां साफ हैं, एक तो 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन लगती रहेगी, 18 साल से 44 वर्ष के लिए अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से लक्की के साथ राजीव भनोट।